हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं टी एस ग्रहवाल बुक से रिटायरमेंट चैप्टर और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ठीक है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी ये आया हुआ है 2019 नाइनटीन के ईयर में तो इजी क्वेश्चन है बहुत ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर पहली लाइन कह रहे हैं तीन पार्टनर है एन एस और बी ठीक है और इनकी रेशियो क्या वन बाय टू वन बाय सिक्स वन बाय थ्री तो पहले तो हमें रेशियो को सिम्प्लीफाई करना आना चाहिए तो रेशियो कि वन बाय टू वन बाय सिक्स और वन बाय थ्री तो रेशो को आप सिक्स पर डिनोमिनेटर बना दो सबका ठीक है तो ये थ्री से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे और ये वाला टू से होगा ऊपर नीचे तो जब डिनोमिनेटर सिक्स आ गया तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट तो थ्री रेशो वन रेशो टू तो आपके पास ओल्ड रेशो क्या आ गई थ्री वन टू ठीक है इसमें से पार्टनर बी रिटायर कर रहा है तो पार्टनर बी कौन है थर्ड पार्टनर तो ये रिटायर कर रहे हैं ना यहां मैंने क्रॉस बना दिया मेरे को याद रहेगा तो ये पार्टनर रिटायर कर रहा है ठीक है ये निशानी के लिए बनाया अब आपको देखो बैलेंस शीट की बनाए बैलेंस शीट में देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है तो बैलेंस शीट में एक में को जनरल रिजर्व दिख रहा है तो जनरल रिजर्व बढ़ता है ओल्ड रेशो में एक ये चीज है बाकी एसेट्स में कोई भी तरीके का लॉस नहीं दिख रहा ठीक है कौन से लॉस यूजुअली हमें दिखते हैं जनरली क्या देखते हैं गुडविल दिखती है, है पे और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिख रहा है तो तीनों चीजें यहाँ पर नहीं है इसके बाद कह रहा है बी रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस एंड ऑन द अब ठीक है तो बी रिटायर कर रहा है और एडजस्टमेंट गिवन है तो एडजस्टमेंट नंबर वन देखो फ्री होल्ड प्रेमिस एंड स्टॉक्स वर टू बी एप्रिशिएटेड मतलब तो तो है और स्टॉक हमारे को ये का यहाँ पर दिख रहा है मशीनरी एंड फर्नीचर वॉल टू बी डेप्रिशिएटेड बाई टेन परसेंट एंड सेवन परसेंट वैल्यू गिराएंगे तो रिवैल्यूशन के डेबिट में जाएगा प्रोविजन फॉर बैड एंड आउटफुल्स वॉज टू बी इंक्रीज बाय फिफ्टीन हंड्रेड तो ये लाइबिलिटी को बढ़ा रहे हैं तो रिवेल्यूशन की डेबिट में जाएगा नुकसान की बात है ठीक है फॉर्म वॉज इक्कीस हज़ार हो रहा है so तो ये आपको गुडविल ऑफ द फॉर्म दे रहा है तो बी के शेयर से मल्टीप्लाई कर देना तो टू बाई सिक्स से मल्टीप्लाई कर देना तो so ये सेवन के आ जाएगी बी के हिस्से की गुडविल ठीक है तो so, आगे देखते हैं आगे हमारे पास एडजस्टमेंट कि बन है द कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू पी एस आर आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी तो बी की रिटायरमेंट के बाद ये लोग न्यू पीएसआर में एडजस्ट कर रहे हैं कैपिटल को ठीक है तो बिल्कुल वही तरीका जैसे पहले के दो तीन क्वेश्चन करते आए ना ये सेम ही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की केस है टाइप वही है ठीक है तो आप कह रहे हैं बैलेंसिंग फिगर कहां डालोगे सरप्लस डेफिसिट इफ एनी इन देयर कैपिटल अकाउंट वॉज टू बी एडजस्टेड थ्रू देयर करंट अकाउंट्स ठीक है तो बैलेंसिंग फिगर हमें करंट में डालनी है प्रिपेयर करना है रिवेल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट तो तीनों चीजें इस क्वेश्चन में करनी है ठीक है बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे री सबसे पहले क्रेडिट साइड पे लिखेंगे फ्री होल्ड प्रेमिस ठीक है तो ये अप्रीशिएट करनी है ना फायदे की बात है तो ये कितनी बढ़ानी थी भाई ट्वेंटी परसेंट बढ़ानी है तो ट्वेंटी परसेंट और फ्री होल्ड प्रेमिस फोर्टी थाउजेंड ठीक है तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा एट थाउजेंड रुपीज साथ साथ स्टॉक की भी वैल्यू बढ़ानी थी हमारे को पंद्रह परसेंट से तो स्टॉक हमें ट्वेंटी टू थाउजेंड का क्वेश्चन में पंद्रह परसेंट से बढ़ानी है तो ये आपका हो जाएगा थर्टी थ्री हंड्रेड ठीक है तो ये बायस चौक लिख दिया फ्री और प्रेमस एस में लिख दिया इसके बाद नुकसान वाली चीज है डेबिट में तो सबसे पहले मशीनरी लिखते थे मशीनरी और फर्नीचर की वैल्यू गिरानी थी ना तो टू मशीनरी टू फर्नीचर लिखा अब इनकी वैल्यूज लिखेंगे तो मशीनरी हमारे पे थर्टी थाउजेंड की ठीक है टेन परसेंट से मशीनरी डिप्रीशिएट करनी है और फर्नीचर हमें गिवन है ट्वेल्व थाउजेंड का ठीक है तो ट्वेल्व थाउजेंड का है और सेवन परसेंट से ये भी डिप्रीशिएट करना है तो ये यहां लिख दिया तो फर्नीचर आ जाएगा आपका एट फोर्टी और मशीनरी टेन परसेंट तो बहुत सिंपल है थ्री थाउजेंड रुपीज ठीक है फिर हमें प्रोविजन की भी बात कर रहा था तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो ये आपका बाय वर्ड लिखा है क्वेश्चन है तो बाय होता है ना तो डायरेक्टली लिखते हैं जो भी वैल्यू लिख रहे है तो फिफ्टीन हंड्रेड से बढ़ानी है यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे ठीक है अब आपको बड़ी वाली साइड ढूंढनी है तो बड़ी साइड यहाँ पे क्रेडिट साइड दिख रही है तो बड़ी साइड का टोटल पहले करते हैं तो बड़ी साइड का टोटल कर रहा आ जाएगा इलेवन थ्री हंड्रेड सेम टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड इलेवन थ्री हंड्रेड ठीक है तो यहां पर इलेवन थ्री हंड्रेड में से ये तीनों आइटम्स करेंगे सब्ट्रैक्ट तो आपके पास क्या आएगा गेन आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा ना मतलब फायदे की चीजें ज्यादा है तो गेन आएगा तो गेन हमारा आ रहा है फाइव नाइन सिक्स जीरो ठीक है तो फाइव नाइन सिक्स जीरो और यहाँ पे लिखेंगे टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है तो इसको हमें रेशियो में बांटना है एन एस और बी की ठीक है तो ये रेशो में जाएगा और ये आपका रेशो कितना होगा भाई हमने अभी अभी निकाला था ना ओल्ड रेशो कितना थ्री वन टू तो थ्री वन टू में फाइव नाइन सिक्स जीरो को बांटेंगे तो ये आपका पहला तो हाफ़ हो जाएगा ठीक है पहला तो इसका हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू और नाइन जर एटीन सिक्सटीन एट ज़र तो टू नाइन एट जीरो पहला इसका हाफ़ हो जाएगा और फिर टू नाइन एट ज़ीरो को वन रेशो टू में बांटो या फाइव नाइन सिक्स जीरो को थ्री वन टू के हिसाब से बांटो तो भी दोनों केसेस से आंसर सेम आएगा ठीक है तो बचे कुछ अमाउंट जो आएंगे वो आएंगे नाइन नाइन थ्री और वन नाइन एट सेवन ठीक है तो ये राउंड ऑफ कर दिए मैंने अप्रोक्सीमेशन में ठीक है तो राउंड ऑफ आपको करने आते ही होंगे पॉइंट थ्री आ जाए ठीक है पॉइंट थ्री आ जाए तो सेम नंबर पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन आए तो नंबर बढ़ा देना ठीक है जैसे अगर मान लो आया मेरा राउंड ऑफ करके ठीक कर है सपोज करो है वन नाइन एट सिक्स पॉइंट सिक्स ये राउंड ऑफ करके आया तो इसको कितना ले लेना वन नाइन एट सेवन बढ़ा देना ठीक है और ये नाइन नाइन थ्री पॉइंट थ्री आया तो पॉइंट थ्री आना तो इसको सेम नंबर रिवल्यूशन अकाउंट डन है इसके बाद मूव करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड पे आपको वही एंट्रीज करनी है लॉजिक्स वही रहेंगे कि कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड पे एंट्री कैपिटल रिड्यूस होगी तो डेबिट साइड पे एंट्री सबसे पहले आपने वही काम करना है भाई जो हम बैलेंसेस लिखेंगे तो बाय बैलेंस बी देखो पार्टनर्स कैपिटल कोई भी चैप्टर हो ना काफी सारा सेवेंटी एट्टी परसेंट तो सेम ही होता है ठीक है कुछ ज्यादा फर्क थोड़ी होता है कोई भी चैप्टर हो तो बायेंस बी डी लिखेंगे यहाँ पे थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड और ट्वेंटी एट थाउजेंड ये कैपिटल्स गिवन है तो ये कॉपी करी मैंने क्वेश्चन में से देखकर इसके बाद हमारा रीवैल्युएशन अकाउंट में अभी भी जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर भेजते हैं ठीक तो है तो रीवैल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट क्या आया था टू नाइन एट जीरो ठीक है नाइन नाइन थ्री और फिर आएगा वन नाइन एट सेवन ये जो अभी बन निकाला है ना प्रॉफिट ये वो कॉपी पेस्ट करा ठीक है फिर हमें क्वेश्चन में गिवन है जनरल रिजर्व तो बारह हजार का जनरल रिजर्व है और ओल्ड रेशो में बांटना है थ्री वन टू ठीक है तो ये आपका कितना आ जाएगा आ, ये आ जाएगा सिक्स थाउजेंड टू थाउजेंड और फोर थाउजेंड ठीक है तो रीवेल्युएशन सॉरी जनरल रिजर्व भी हमने बांट दिया इसके बाद आपको पास करनी है अपनी एंट्री गुडविल वाली तो गुडविल की एंट्री अब तक याद हो चुकी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है भाई रिटायरिंग पार्टनर है हमारा बी तो ये बंदा रिटायर कर रहा है मैं यहाँ निशाने के लिए लिख रहा हूँ रिटायरिंग तो अगर ये रिटायर कर रहा है तो ये सैक्रीफाइसिंग है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होता है ना तो टू बीज कैपिटल क्योंकि ये सेक्रीफाइसिंग है तो टू होगा और बाय गेनिंग है ना तो बाय एन और बाय एस ठीक है तो इनके कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आ जाएंगे तो जर्नल लिखनी तो आपको आनी चाहिए इसके बाद हमारे को सिर्फ अमाउंट्स निकालनी है तो अमाउंट्स के लिए हम लोग चलेंगे वर्किंग नोट में स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट तो गुडविल ऑफ द फर्म हमें दी वन थाउजेंड तो बी की गुडविल कैसे आएगी बी के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेशो ओल्ड रेशो क्या गिवन है है ठीक और ये क्या एन एस बी तो बी का शेयर आप यहां से देखो कितना आएगा टू बाय सिक्स ठीक है टू बायस uh, तो ये आ जाएगी सेवन थाउजेंड तो बी के हिस्से में कितनी गुडविल है अब ये एन और इसमें बटेगी किस रेशो में गेनिंग रेशो में तो मैंने आपको बताया जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो रिटायरिंग क्वार्टर में पेन रखा अब जो रेशियो दिख रही है वही क्या गेनिंग रेशियो भी और वही क्या न्यू रेशियो भी तो हमारे तो बांटेंगे तो यह आएगा फाइव टू फाइव जीरो और वन सेवन फाइव जीरो हमारे पास अमाउंट्स आ गई और यही जर्नल एंट्री की पोस्टिंग मैंने ऑलरेडी कर दिया तो फटाफट से अमाउंट्स कॉपी पेस्ट करते हैं और आगे कॉन्टिन्यू करेंगे अमाउंट लिखेंगे भाई तो बी को पैसे देने ना तो बी के कॉलम में लिखेंगे क्रेडिट साइड पे अमाउंट और एन ऑर एस के अकाउंट में से पैसे काटने तो यहां काटने ना तो लिखेंगे एनआरएस में तो फाइव टू फाइव जीरो और वन सेवन फाइव जीरो हमारे को दो काम और करने एक तो हमारे को बी का लोन अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा वो पता करना है ठीक है तो टू बीज लोन अकाउंट और एक टू बैलेंस सी इससे रिलेटेड तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की एंट्री गिवन है तो हमारे को वही काम करना पड़ेगा जो पहले करा है हमने रफ बैलेंस सीडी वाला ठीक है जो रफ बैलेंस सीडी निकालते थे ना वही हमारे को करना होगा तो अब देखो भाई सबसे पहले मैं बी का कर देता हूं बी के कॉलम का टोटल कितना आ रहा है भाई बी के कॉलम का टोटल आ रहा है फोर्टी थाउजेंड नाइन एटी सेवन ठीक है बी के कॉलम का टोटल आ रहा है फोर्टी थाउजेंड नाइन एटी सेवन बड़ी साइड में ये टोटल कॉपी किया और अगर, अगर अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी सीधे है कि मान लो कोई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं होता तो आप यहां बैलेंस की जो भी अमाउंट लिखते उसी को मैं कह रहा हूं रफ में लिख लो ठीक है जो अमाउंट आप यहाँ एक्चुअली में लिखते उसी को आप रफ में लिख लो ठीक है तो इन तीनों को एड करेंगे और फाइव टू फाइव जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे एन के कॉलम का तो हमारा जो रफ बैलेंस सी डी आ रहा है एन का वो कितना आ रहा है मैं यहां लिख देता हूं रफ बैलेंस या फिर इसको हम ऑफिशियली एग्जाम में क्या लिखेंगे हम बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एन ये वर्किंग नोट में आ गए एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एन तो ये हमारा कितना होगा और सिमिलरली हमें लिखना होगा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एस बेसिकली रफ में बैलेंस सी डी निकालेंगे तो हमारे पास एन का रफ बैलेंस सीडी कितना आ रहा है भाई ये आ जाएगा 33730 और एस का कैसे निकलेगा एस की ये तीन आइटम्स में से 1750 को आप सबट्रैक्ट करोगे तो यहाँ बैलेंस सीडी लिखते लेकिन क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है तो हम यहाँ नहीं लिख रहे हम यहाँ अलग से लिख रहे हैं तो हम कितनी लिखेंगे भाई तब हमारा हमारा आंसर आ रहा है 31243 ठीक है आया समझ अब देखो आपको कुछ नहीं करना अब आपको इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है ऐड करना है ठीक है इन दोनों वैल्यूज को आपको ऐड करना है और ये जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा आपके पास आ जाएगी टोटल कैपिटल ठीक है तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ जाएगी और इसी को आप बांटोगे न्यू रेशो में ठीक है तो न्यू रेशो में आप बांटोगे तो थ्री रेशो वन है ना हमारी न्यू रेशो तो ये टोटल कैपिटल देखते हैं कितनी है तीन चार तीन सात नौ फोर और सिक्स तो 64973 जो आ रही है ये हमारी आ रही है टोटल कैपिटल और इसको अब आप बांटोगे न्यू रेशो में जो की होगी थ्री रेशो वन और ये जो आएगा ना ये आपका जाएगा बैलेंस सीडी में तो यहां पर भी लिख लेते हैं सिक्सटी इन थ्री रेशो वन ठीक है ना देखो टोटल कैपिटल आई टोटल कैपिटल क्वेश्चन नहीं बोला न्यू रेशो में होनी चाहिए तो न्यू रेशो में होनी चाहिए मतलब टू बैलेंस सीडी में लिखो टू बैलेंस सीडी में हम वो कैपिटल लिखते हैं जो आइडियली जो रियलिटी में इनकी कैपिटल होनी चाहिए है नहीं होनी चाहिए ठीक है तो अभी हम इसको बनाएंगे बैलेंसिंग फिगर्स एडजस्ट करेंगे ना तो हम इसको बनाएंगे ठीक है करंट अकाउंट के थ्रू बैलेंसिंग फिगर्स एडजस्ट करेंगे तो सिक्सटी फोर नाइन सेवनटी थ्री को थ्री रेशो वन में बांटा तो ये कितना आ रहा है फोर्टी एट सेवन थर्टी और सिक्सटीन टू फोर्टी थ्री अब आपको देखो ये कह रहा है कि इतनी कैपिटल होनी चाहिए देखो एन की कह रहा है इतनी कैपिटल होनी चाहिए बट क्या अभी एन की कैपिटल कितनी है अभी आप देखो बिल्कुल बॉटम में देखो स्क्रीन के एन की कैपिटल अभी कितनी है थर्टी थ्री सेवन थर्टी मतलब थर्टी थ्री थाउजेंड सम है और होनी कितनी चाहिए फोर्टी एट थाउजेंड सम मतलब एन को अपनी कैपिटल बढ़ानी है तो अगर एन को अपनी कैपिटल बढ़ानी है इंक्रीज करनी है तो एंट्री वो कहां पे करेगा इधर करेगा क्रेडिट में तो बाय एंस करेंट अकाउंट ठीक है बाय एंस करेंट अकाउंट अब आप एस का देखो एस की कैपिटल कितनी है भाई एस की कैपिटल है थर्टी वन थाउजेंड समथिंग होनी कितनी चाहिए सिक्सटीन थाउजेंड मतलब एस की कैपिटल तो बहुत ज्यादा लगी हुई है इसको अपनी कैपिटल क्या करनी है डिक्रीज करनी है तो एस को अपनी कैपिटल डिक्रीज करनी है तो एंट्री का करेगा इधर डेबिट में टू एस एस करंट अकाउंट ठीक है तो ये जो एडजस्टेड कैपिटल है ये मीनिंग होता है कि अभी कितना पैसा लगा हुआ है टू बैलेंस सीडी का मतलब है लगा कितना चाहिए इन्वेस्टेड अमाउंट होना कितना चाहिए ठीक है तो इसको हम दो तरीकों से एडजस्ट करते हैं करंट अकाउंट से या फिर कैश से तो कभी क्वेश्चन में करंट अकाउंट से एडजस्ट करने का बोलते हैं कभी कैश से बोलते हैं तो हमारे क्वेश्चन में करंट से बोला तो हम करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट कर रहे हैं ठीक है तो अब यहां पर अमाउंट क्या आएगा जो डिफरेंस का था ठीक है इन दोनों का ये जो पुराना वाला था, मैं अमाउंट भी बता देता हूँ थर्टी थ्री सेवन थर्टी है फोर्टी एट सेवन थर्टी होना चाहिए तो इनका जो डिफरेंस है ना डिफरेंस वही पैसा इन लेकर आएगा ठीक है तो कितने का डिफरेंस है पंद्रह हजार का तो ये इतना पैसा और इन्वेस्ट करेगा थर्टी वन समथिंग है थर्टी वन टू फोर्टी थ्री आपको नीचे दिख रहा है स्क्रीन पे, और होना कितना चाहिए तो कितनी कैपिटल कम करेगा तो वो आ जाएगा सात हजार पांच सौ ठीक है इसके सामने लिखेंगे सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट है अब आप N का चाहे क्रेडिट का टोटल पहले करो चाहे डेबिट साइड का टोटल पहले करो चाहे एस का क्रेडिट का टोटल पहले करो और का डेबिट का टोटल पहले करो टोटल सब मैच करेंगे बैलेंसिंग फिगर नहीं आएंगी ये जो करंट अकाउंट है ना यही हमारे बैलेंसिंग फिगर्स थे ठीक है ये करंट अकाउंट ही बैलेंसिंग फिगर था तो एन का टोटल कितना आ जाएगा ये आ जाएगा फोर्टी एट सेवन थर्टी तो ये कॉपी करेंगे इधर भी और एस का टोटल आ जाएगा थर्टी वन टू फोर्टी थ्री और ये भी कॉपी करेंगे इधर ठीक है

क्योंकि अगर आप जर्नल रीड करो एंस करंट अकाउंट की यहाँ पे डेबिट बनेगा एंस अकाउंट डेबिटेड टू एंस कैपिटल अकाउंट अगर आप इसकी जर्नल बनाओगे तो करंट अकाउंट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल तो जो डेबिट होता है ना डेबिट नेचर की चीजें एसेट्स में जाती है यहाँ पे एस की जर्नल देखो यहाँ के एसेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस एस करंट अकाउंट तो करंट अकाउंट क्रेडिट है ना क्रेडिट नेचर की चीजें लाइबिलिटी में जाती है ठीक है तो ये चार चीजें आपको भेजनी है बैलेंस सीडी और ये दोनों करंट अकाउंट बैलेंस शीट में प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट ठीक है बैलेंस शीट बनाने का सिंपल तरीका है क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट देख देख कर बनाएंगे तो बिल्स पेबल क्रेडिटर्स पहले मैं ये थोड़ी सी आइटम्स लिख रहा हूं अब आप देखो बिल्स पेबल हमारे को कितना गिवन है क्वेश्चन में बारह हजार रीवेल्यूशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है कॉपी पेस्ट सेंड्रीग्रेटर सेम कॉपी पेस्ट इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है फिर यहां पर आपको लिखनी है बी का जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन अकाउंट का बैलेंस बैलेंस ठीक है तो बीज लोन अकाउंट यहां लिखेंगे 4987 फिर आपको यहाँ पे लिखना है एस का करेंट अकाउंट ठीक है एस का करेंट अकाउंट भी यहाँ लिख दोगे पंद्रह हज़ार रुपये ये मैंने अभी समझाया ये लाइबिलिटी में क्यों आएगा फिर आपको लिखना है कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस ठीक है तो एन और एस हमारे पार्टनर्स हैं इनकी कैपिटल अकाउंट्स आपको यहाँ लिखनी है तो ये कितनी होगी फोर्टी ठीक है फोर्टी और सिक्सटीन तो ये हो जाएगा सिक्सटी ठीक है तो ये हमारा हो जाएगा लाइबिलिटीज साइड ठीक है इसको टोटल करेंगे बाद में अब देखो यहाँ पे लिख रहे हैं फ्री होल्ड प्रेमिस तो ये फोर्टी एट थाउजेंड है ये रिवेल्यूशन में गिवन था तो कैसे किया है फोर्टी थाउजेंड पहले था एट थाउजेंड से इंक्रीज करे फिर मशीनरी हमारे को डिप्रीशिएट करनी थी थर्टी थाउजेंड पहले थी दस परसेंट घटानी थी तो टेन परसेंट थ्री थाउजेंड हुआ तो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड आ जाएगी फिर हमारे को फर्नीचर भी कम करना था ठीक है फर्नीचर पे सात परसेंट था ट्वेल्व थाउजेंड माइनस एट फोर्टी रुपीज तो ये आ जाएगा इलेवन थाउजेंड वन फिर हमारे पास स्टॉक है तो स्टॉक की वैल्यू पहले ट्वेंटी टू थाउजेंड थी फिर थर्टी थ्री हंड्रेड से बढ़ाइएशन थी ना तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड हो जाएगा सनड्री डेटर्स भी पहले ट्वेंटी थाउजेंड के थे प्रोविजन हमें इंक्रीज है तो पहले प्रोविजन कितनी थी वन थाउजेंड और फिफ्टीन हंड्रेड से प्रोविजन बढ़ाइए तो अब प्रोविजन हो गई 2500 की तो डेटर्स हमारे कितने के रह गए 17500 ठीक है तो 17500 के हो गए इसके बाद आपके पास है कैश ठीक है कैश आपके पास कितने सात हजार तो ये कॉपी पेस्ट होगा सात हजार और साथ-साथ करंट अकाउंट ठीक है तो n का करंट अकाउंट यहां पर लिखेंगे ठीक है n का करंट अकाउंट आएगा कितने अमाउंट का तो n करंट अकाउंट आएगा 15000 रुपीस का ठीक है इसके बाद आप बैलेंस शीट का टोटल करोगे आपका टोटल मैच कर जाएगा और ये टोटल आ रहा है दोनों साइड्स का वन लाख फिफ्टी थाउजेंड नाइन सिक्सटी ये हमारा टोटल आ रहा है तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आपने शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लेना ठीक है बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉन्टिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को